बेटा सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो खत्म होने वाला है तो कुछ यादें आती है तो बताइए। नहीं यार, मेरे लिए तो यहाँ की यादें नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस एंड टोटली एक्साइटेड टू बी hosting the grand finale of Saregamapa, one of the biggest shows ever, one of the biggest reality shows ever, who have produced so many singers, so much talent they have. So I'm really excited and happy to be here. I'll make it more funny. Yeah, mere favorites, I like Sahil, I like Tanmay also, and Sonu is also nice. Ishita is one of my favorite ones too, so all of them, yeah. So, nahi yaar, meri aisi koi memory nahi, but I do have something ki mere papa bade shauk se dekhte hain, you know, even my father in law, both of them are great fan of this show. Wo dono jab ye aa raha hota hai to wo channel change nahi karne dete, chipak ke baith jate hain bilkul TV ke samne aur unko pura dekhna hota hai ki who will be the winner. Guys, wish you all the very, very, very best, and you guys are excellent, great talent, and I'm totally excited to be sharing this stage with you today. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत emotional हो जाता हूँ मैं जब भी season खत्म होता है, और मेरे लिए ये एक it's the end of an era for me. 12 साल से मैंने सारेगामापा मेरी ज़िंदगी में रहा है, मैं सारेगामापा की ज़िंदगी में रहा हूँ. आज ये मेरा आखिरी शूट है सारेगामापा के लिए, थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए मैं गुड बाय नहीं कह रहा हूँ. इट्स मोर लाइक सी यू लेटर, फिर मिलेंगे. लेकिन इस शो ने, सारेगामापा ने, इस मंच ने मुझे मेरी पहचान दी है. जब मैं 18 साल का था, छोटा सा था, जब मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं इन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा. लोगों का प्यार मिला मुझे, इसीलिए साल दर साल मुझे हमेशा बुलाया गया इस शो को होस्ट करने के लिए. मैं बहुत खुश हूँ. टैलेंट इस बार भी ज़बरदस्त है. टॉप 6 हमारे कंटेस्टेंट्स हैं. सारेगामापा का जो बेंचमार्क है उसे बरकरार रखा है उन्होंने. बहुत अच्छा गाते हैं सब, बहुत मेहनत करते हैं. आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. और मैं हमारे कंटेस्टेंट्स को भी यही कहना चाहूँगा कि ये उनके ज़िंदगी की शुरुआत है. यहाँ से उनकी म्यूज़िकल जर्नी एक्चुअली शुरू होती है. जो असली स्ट्रगल होता है वो आज से शुरू होता है. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट. और ऑनेस्टली, विनर लूज़र कुछ मैटर नहीं करता है. आप इस स्टेज पे आए हैं, आपने करोड़ों लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है, ये आप सबके लिए एक विक्ट्री है. तो बात करते हैं अगर सिंगर्स की, तो जी सिंगर, जी तो आपकी नज़र में सबसे बढ़िया सब अलग अलग जॉनर्स के हैं यार, यू नो, ऑनेस्टली सबकी अपनी अपनी खासियत है. हमारे जो सोनू हैं वो थोड़ा सूफी टाइप गाते हैं. उनकी अगर हम उनके जॉनर को अगर हम जस्टिफाई करें तो वो एक राहत साहब या शफकत साहब के जोन में गाते हैं. जो इशिता है वो यू नो, श्रेया जी की तरह उनकी आवाज़ है, जो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. इनफैक्ट बहुत अच्छा गाती भी हैं. ऐश्वर्या की एक ऐश्वर्या का एक यूनिक टोन है, आई थिंक बहुत ही नया उनका टोन है, टेक्स्चर है, बहुत अच्छा गाती हैं वो भी. साथ ही साथ जो हमारे अब्दुल भाई हैं वो भी बहुत यूनिक है, थोड़ा सा साउथ इंडियन एक फ्लेवर लेके आए हैं, लेकिन बहुत मजे हुए सिंगर हैं वो, बहुत अच्छा गाते हैं. साहिल एक सुखी पाजी हैं हमारे, वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स, वो थोड़ा उस जोन में हैं. और तन्मय जो हैं हमारे यंग स्टार हैं. अच्छा निकल रहे, ओके. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट. थैंक यू.